बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज यहाँ उर्दू का टॉपिक योम दिफा जो कि जमात शशम मजमून उर्दू कोड नंबर 24.13 पार्ट 2 की हम रीडिंग करेंगे। मेरा अनवान है योम दिफा। दिफा का मतलब है हिफाजत और योम का मतलब होता है दिन। इसका इस अनवान का मतलब है हिफाजत का दिन। जैसा कि आप सबको मालूम है, योम दिफा हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अचानक से हमला कर दिया, जिसके जवाब में हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत बहादुरी से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जारी रहने वाली ये 17 रोज़ा जंग में हिंदुस्तान ने अक़्वामे मुत्तहिदा में जंग बंदी की दरख्वास्त पेश की, जिसको मंजूर कर लिया गया और इस जंग को 17 रोज़ के बाद रोक लिया गया। इसीलिए पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को इसकी याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को फोटो स्टेडियम में योम दिफा की एक तकरीब का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें बहुत से लोग तमाशाई इसको देखने के लिए आते हैं और मुख्तलिफ जगहों से जोक तर जोक उसको इस मंज़र को देखते हैं। इसके अलावा 6 सितंबर को लाहौर में फोटो स्टेडियम में इस तकरीब को मनाने के लिए सबसे पहले तलावत इकराम की जाती है, कौमी तराना पढ़ा जाता है। उसके बाद हमारे फौजी जवान मुख्तलिफ अपने करतब करके तमाशाइयों को दिल को लुभाते हैं, जिसमें सिर्फ 3 सेकंड में हमारे फौजी जवान 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर महाज पर डट कर दिखाते हैं और अपने इसके अलावा अपनी राइफलें खोलकर 15 सेकंड में उनको जोड़कर दुश्मन के ऊपर हवाई फायरिंग करके दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे फौजी जवान में चलती हुई मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, फायरिंग करते हैं, हवाई जहाज़ के करतब दिखाते हैं, जिसको देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और इस तरह वो 6 सितंबर की याद ताज़ा करने के लिए उस कारनामे को हर साल हम मनाते हैं। इस रीडिंग में बहुत से सवाल आते हैं, जिसके जवाब हम रीडिंग में से ढूंढेंगे और उसके साथ साथ मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाजिया हो जाए। अब मुहावरात का इस्तेमाल इस तरह करना है कि उनका मफहूम होता है मायनी, उनका मायनी हमें मालूम हो जाए। सबसे पहले नंबर 1 पे सवाल है, छक्के छुड़ा देना, उसका मायनी है बदहवास होना। इसका जुमला हम इस तरह बनाएंगे कि इसका मफहूम वाजिया हो जाए, इसका मायनी वाजिया हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तानी फ़ौज ने जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। नंबर 2, जुनून सर्द पड़ना, उसका मायनी है ख़त्म होना। इसके बाद इसका जुमला बनाना है हमने जुनून सर्द पड़ना। जोक दर जोक, जोक दर जोक में उसका मायनी है ग्रो दर ग्रो, मतलब ग्रो दर ग्रो उसमें आना। जोक दर जोक का मायनी बनाना है, जुमला बनाना है हमने। सिक्का बिठाना, बात मनवाना, मैली आँख से देखना, बुरी नज़र से देखना, निस्तो नबूद करना, तबाहो बर्बाद करना। हम सारे मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि उनका मायनी और मफहूम हमें समझ में आ जाए। उसके बाद इस सवाल में, इस मशक की एक्सरसाइज में, कॉलम को लिफ को कॉलम बेस से मिलाएं और दुरुस्त निशान सवाल की निशानदेही करें। उसके बाद उसमें इसकी एक्सरसाइज में एक है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर का मायनी है ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं, इसम ज़मीर कहलाते हैं। इसम का मायनी होता है नाम, इसम का मायनी है नाम। नाम की जगह पे हम जो अल्फाज इस्तेमाल करें उसको इसम ज़मीर कहते हैं। मसलन, वो, उस, हम, उन्हों वगैरह। जैसे कि हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, कायदे आज़म हमारे कौमी रहनुमा हैं, कायदे आज़म कराची में पैदा हुए, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत सी मेहनतें की, कायदे आज़म ने दिन रात कोशिश की। इस तहरीर में बार बार कायदे आज़म का नाम आने से तहरीर बोझल नज़र आती है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कायदे आज़म हमारे कौमी रहनुमा हैं,
वो कराची में पैदा हुए, उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में पर मुसलमानों का साथ दिया। कायदे आज़म का नाम बार बार इस्तेमाल करने की जगह हम वो उस उन्हों वगैरह इस्तेमाल करेंगे। इन अल्फाज को इस्म ज़मीर कहते हैं जो नाम की जगह पे आए। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से सबक समझ आ गया होगा और उसके साथ ग्रामर का ये हिस्सा भी समझ आ गया होगा। इसकी हमने अच्छी से रीडिंग करनी है और तमाम एक्सरसाइज को अच्छे से हल करना है। थैंक यू वेरी मच।